कल ही ये खबर सामने आई थी कि मुन्नावर फारूकी को क्वेश्चनिंग के लिए लेकर गई है पुलिस, क्योंकि उन्हें हुक्का बार में पकड़ा गया है जहां पर वो कुछ अल्कोहल, हुक्का ये सब चीजें कंज्यूम कर रहे थे, हुक्का जो कि ऑलरेडी बैन है। अब इस वजह से एल्विश यादव फिलहाल तो पुलिस से उनसे छुटकारा पाकर बाहर आ ही गए थे, राजस्थान में अपने शूट पर भी चले जा चुके थे मुन्नावर, लेकिन अब खबरें ये आ रही हैं कि उन्हें एक बार फिर से पुलिस क्वेश्चनिंग के लिए जरूर बुलाएगी, पूछताछ के लिए बुलाएगी कि वहां पर वो क्या कर रहे थे, कितना अल्कोहल और बाकी सब चीजें कितना उन्होंने कंज्यूम किया, और बाकी लोगों की यहाँ जो इंटेरोगेशन है वो भी हुई है और उसके बारे में भी मुन्नावर से पूछा जाने वाला है। यानी कि मुन्नावर की अभी मुश्किल थोड़ी खत्म नहीं हुई है, जो इस खबर के आने के बाद सोशल मीडिया पर वो ट्रॉल हुए, ये ट्रॉलिंग लगता है अब आगे भी बढ़ने वाली है। मुन्नावर ने तो अभी तक इसके ऊपर कुछ भी खास कहा नहीं है, लेकिन हाँ सोशल मीडिया पर वो लगातार एक्टिव जरूर है और सबको ये जवाब दे रहे हैं कि भाई वो फ्रीली अपनी जिंदगी जी रहे हैं, तो ये ट्रॉलिंग का उन पर कोई फायदा नहीं होगा। क्या कहेंगे आखिर इसके ऊपर आप सभी, हमें कमेंट सेक्शन में जरूर लेके बताएगा। वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब के बिना बिल्कुल भी ना जाएं।